निर्मित सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सिस नमस्कार मैं सुनीता दीक्षित हमारे माता पिता कई तरह के व्यवसाय करते हैं उसी के बारे में मेरे पड़ोसी संतोष और रंजना आज अंग्रेजी में बात करना सीखेंगे तुम भी ध्यान से सुनना क्या हुआ कैसी आवाज आई हाँ लगता है कोई गिर गया अरे माधवन की हमेशा की आदत है ना। देखता कहीं है और चलता कहीं है <laughs> पोस्टमैन को टक्कर मार दिया उसने सॉरी 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 ये हमेशा ऐसे ही करते हैं क्या सॉरी हरदम गिरते पड़ते रहते हैं अरे अरे सारी चिट्ठिया गिर गई पोस्टमैन चाचा ये लीजिए देखिए खराब तो नहीं हुई ना हाँ थैंक यू थैंक यू ये भी माधवन कौन है उनके लिए चिट्ठी है चाचा यही तो माधवन है माधवन भैया योर लेटर यस यस माई लेटर्स ओ ओ नो माई मदर इज नॉट कमिंग रीड दिस सुनीता दीदी शी सेंट अ लेटर फॉर यू टू अच्छा मेरे लिए भी चिट्ठी भेजी है बताइए ना सुनीता दीदी किसकी चिट्ठी है क्या लिखा है हाँ भाई पढ़ रही हूँ सॉरी मलेरिया हॉस्पिटल कैंसल्ड माय हॉलीडे अच्छा माधवन की माँ यहाँ आने वाली थी लेकिन उनके हॉस्पिटल में काम बढ़ गया है चेन्नई में मलेरिया का प्रकोप चल रहा है ना, इसलिए उन्हें बहुत काम है वहाँ अब वो छुट्टी नहीं ले सकती या मदर माधवन भैया या मदर डॉक्टर यस माई मदर इज अ डॉक्टर

जैसे हम लोग हिंदी में गृहिणी कहेंगे उसी तरह अंग्रेजी में क्या कहते हैं तुम्हारी माँ घर में काम करती है ना खाना पकाना बर्तन कपड़े धोना तुम सबको संभालना कितने सारे काम करती है है ना तो जो ये सब काम करता है उसे हाउस वाइफ कहते हैं तो मैं ऐसे कहूँ माई मादर इज हाउस वाइफ हाँ बिल्कुल ठीक मेरी माँ नर्स थी वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मदद किया करती थी मरीजों की देखभाल करती थी तो बचपन में मैं कहा करती थी माई मदर इज अ नर्स, माई मदर इज अ वाइफ माई मदर इज अ वाइफ माई मदर इज अ टीचर माई मदर इज अ टीचर माधवन वॉट डज योर फादर डू माई फादर

बंदर नहीं बंदूक गन वो समझे बंदर ओ आई सी बंदूक गन मेरे पिताजी ऑफिस में काम करते थे वो ऑफिस वर्कर थे ऑफिस वर्कर कारखाने में काम करने वाले को फैक्ट्री वर्कर कहते हैं खेत मजदूर फार्म वर्कर कहलाता है मंगला के पिताजी ड्राइवर हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे ड्राइवर ही कहेंगे हम हिंदी में कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे ड्राइवर पुलिसमैन, डॉक्टर नर्स ओ सेम इन इंग्लिश एंड हिंदी ड्राइवर पुलिसमैन, डॉक्टर नर्स यस माधवन इट्स द सेम इन इंग्लिश एंड हिंदी आज के पाठ में आपने कुछ नए शब्द और वाक्य सीखे हैं अब आप इन्हीं वाक्यों को दोबारा सुन पाएंगे ध्यान से सुनिएगा हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे टीचर जी आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे वॉट डज यो मदर डू My mother is an office worker. Office मतलब दफ्तर, office worker यानी दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति. What does your father Do my father is a factory worker. Factory worker मतलब कारखाने में काम करने वाला मजदूर खेत मजदूर को क्या कहते हैं फार्म worker. माई फादर इज अ फार्म वर्क और शिक्षक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे टीचर माई मदर इज अ टीचर वॉट डज योर मदर डू माई मदर इज अउस वाइफ हाउस वाइफ मतलब ग्रहिणी सुनने वाले दोस्तों अब आपकी बारी है स्कूल में या घर में आप जहां भी हूं मेरे कहे मुताबिक ही बोलिए बिना किसी शर्म के बिना किसी डर के इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी अच्छा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं ये प्रश्न हम पूछेंगे पहले प्रश्न ध्यान से सुनो फिर मेरे बाद सब एक साथ दोहराओ वॉट योर फादर डू अब इसी तरह तुम्हारी मां क्या करती हैं? यह पूछना है मेरे बाद सब एक साथ बोलो वॉट डज योर मदर डू उत्तर कैसे दोगे मां के बारे में प्रश्न हो तो कह सकते हैं माए मदर इज अ टीचर और पिताजी के बारे में हो तो कह सकते हैं माई फादर इज अ फार्म अच्छा अब मैं अलग अलग बच्चों से ये प्रश्न पूछूंगी कि तुम्हारी माँ क्या करती हैं और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं उत्तर अंग्रेजी में ही देना है यदि तुम किसी व्यवसाय का अंग्रेजी शब्द नहीं जानते हो तो वो शब्द हिंदी में भी कह सकते हो जैसे माई फादर इज अ बढ़ई लेकिन याद रहे वाक्य अंग्रेजी में ही होना चाहिए चलो जब घंटी बजे तो टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे प्रश्न ध्यान से सुनो और अंग्रेजी में उत्तर दो व्हाट डज यो मदर डू अब टीचर किसी और बच्चे को चुनेंगे अब तुम बताओ वॉट डज योर फादर डू अब आप अपनी मां के बारे में दो वाक्य अंग्रेजी में कह सकते हैं ना उनका नाम और वो क्या करती हैं ऐसे माई मदर्स नेम इज कुंती यादव माए मदर इज अ टीचर कौन बताएगा अपनी माँ के बारे में दो वाक्य अंग्रेजी में घंटी बजने पर टीचर जी एक बच्चे को खड़ा करेंगे अपनी मां के बारे में दो वाक्य अंग्रेजी में बोलो और कौन बताएगा अपनी मां के बारे में दो वाक्य अंग्रेजी में अब ऐसे ही दो वाक्य अपने पिता के बारे में बता पाओगे ना घंटी बजने पर टीचर जी किसी बच्चे को खड़ा करेंगे अपने पिता के बारे में दो वाक्य बोलो अंग्रेजी में गुड अब टीचर किसी और बच्चे को चुनेंगे अपने पिता के बारे में दो वाक्य बोलो अंग्रेजी में के हर बच्चे से अपने माता पिता के बारे में दो वाक्य बोलने का अभ्यास टीचर जी करवाएंगे जैसे इन बच्चों ने बोला है वैसे ही शेष बच्चों को भी टीचर बोलने का अवसर देंगे अगले पंद्रह मिनट तक यही अभ्यास जारी रखना है आज का पाठ यही समाप्त हुआ तो अब हम मिलेंगे कब अगले पाठ का समय होगा जब